ऑपरेशन हाईवे के तहत 133वीं बड्डी कार्यवाही हाईवे स्थित ढाबे पर टैंकरों से केमिकल चोरी करते रंगे हाथों 5 जने गिरफ्तार। 60 केमिकल भरे ड्रम व टैंकर सहित लाखों रुपयों का केमिकल जब्त। जयपुर 26 मई ऑपरेशन हाईवे के तहत जयपुर ग्रामीण डीए सटी व दूंदू थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर हाईवे पर टैंकरों से केमिकल चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 60 केमिकल से भरे ड्रम व टैंकर सहित लाखों रुपयों का केमिकल जब्त कर 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम मंगलवार सिंह पुत्र रेशम सिंह जट सिख 55 जिला नवांशहर पंजाब चालक लाखा राम पुत्र बिश्नाराम राम जाट 30 थाना चौहटन जिला बाड़मेर ट्रक खलासी जमाल खां पुत्र मुरीद खां 50 थाना सदर पाली हरी सिंह पुत्र रेवत सिंह 32 थाना बाप जिला जोधपुर तथा पूसा राम पुत्र राम स्वरूप प्रजापत 40 थाना दूध जिला जयपुर ग्रामीण के रहने वाले है। मुख्य सरगना भंवर सिंह राजपूत फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एसपी शर्मा ने बताया कि थाना दुदू इलाके में टैंकरों से केमिकल चोरी की वारदातों की सूचना पर एसपी दुदू ज्ञान प्रकाश नवल व सीओ दुदू विजय सेहरा के निर्देशन में आ सूचनाएं संकलित करने हेतु टास्क डीए सटी से एसआई हेमराज मीणा दिया गया। एसआई हेमराज ने 2 से 3 दिन दुदू में रहकर गुप्त सूचनाएं संकलित कर बुधवार को थाना अधिकारी दुदू पूरन मल के साथ संयुक्त रूप में अजमेर दुदू रोड पर होटल गढ़वाल प्लाजा में रेड मारी, जहां बेहद गुजरात से बारपुर उत्तराखंड जा रहे 36,000 लीटर केमिकल टैंकर की सील तोड़कर केमिकल की चोरी करते हुए मौके से रंगे हाथों चालक सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मौके से 58 बड़े ड्रम व 6 छोटे ड्रम केमिकल से भरे हुए जब्त किए। मौके पर खड़ी एक पिकअप सहित 36,000 लीटर केमिकल से भरे हुए टैंकर को भी जब्त किया। जब्त केमिकल की बाजार में कीमत कई लाखों रुपए आंक की गई है, जिस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं आपदा प्रबंधन अधिनियम व राज्य महामारी अधिनियम में